हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ माय अनदर रिव्यू। सो गाइस, आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ फैसल्स कनाडा के वेटलेस सिस्टम मैट कॉम्पैक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इसकी पैकेजिंग से। तो गाइस, साइनी गोल्डन कलर का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है। जितनी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इस पर प्रिंटेड है। इसके अलावा इसके अंदर हमारा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट शाइनी ब्लैक कलर का राउंड केस है जिसपे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा शट लॉक लीड है इसमें, जो कि बहुत टाइटली पैक हो जाता है और आप कहीं भी इसको ले जा सकते हो आराम से। साथ ही साथ आपको इसमें मिल जाता है राउंड मिरर और एक राउंड पफ या स्पंज हम कह सकते हैं। यूजुअली ये सारे कॉम्पैक्ट में होता है ये दोनों चीज़ें। तो ये पैकेजिंग है फैसल्स कनाडा वेटलेस सिस्टम मैट कॉम्पैक्ट SPF 20 विद मिनी एंड सिया बटर की। ये प्रोडक्ट आपको अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है। इसका प्राइस सिर्फ 199 रुपीज़ में है और ये प्रोडक्ट का वेट है 9 ग्राम। प्रोडक्ट में आपको 4 शेड मिलेंगे। मेरे पास 2 शेड है। सबसे पहले मैं वो चारों शेड के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला है आइवरी, दूसरा नेचुरल, तीसरा बीज एंड फोर्थ इज सैंड। तो ये 4 शेड के कॉम्पैक्ट आपको अवेलेबल हैं आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे नायका या तो पर्पल, आप जहाँ से भी खरीदें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप नायका से लें। फिलहाल तो मेरे पास 2 शेड्स हैं, पहला नेचुरल 02 एंड दूसरा बीज 03। तो फैसल्स कनाडा का जो सबसे पहला मैंने कॉम्पैक्ट लिया था वो था नेचुरल 02 शेड, जो कि मेरे स्किन कलर से 1 शेड लाइटर शेड है। उसके बाद जो मैंने लिया था वो मेरे स्किन कलर के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट था, जो था 2003। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे कहीं शादी पार्टी या किसी फंक्शन में जाना होता है तो मैं अपने स्किन कलर से 1 शेड लाइटर कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करती हूँ, यानी नेचुरल 02 वाला मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। देन अगर मुझे कहीं नॉर्मली डेली अगर थोड़ा बहुत टचअप करना होता है तो मैं फाउंडेशन अप्लाई करके 2003 अप्लाई करती हूँ, जो कि मेरे स्किन कलर के अकॉर्डिंग रहता है। तो गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेचुरल 02 जो कि लेफ्ट साइड में है, जो कि लाइटर शेड है थोड़ा, और 2003 जो कि मेरे स्किन कलर के अकॉर्डिंग है, जो कि राइट साइड में है। दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये 2 कॉम्पैक्ट पाउडर हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो गाइज, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के तौर पे आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी अगर आपको एक ही शेड यूज़ करना है तो आप एक ही शेड यूज़ कर सकते हैं। नाउ हाउ टू यूज़ दिस कॉम्पैक्ट पाउडर। तो गाइज, इस कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करने का क्या स्टेप्स है मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑलरेडी जो पफ दिया है या स्पंज दिया है उसे आप थोड़ा सा अमाउंट उसमें ले के कॉम्पैक्ट पाउडर का, और अपने चेहरे पर क्लॉकवाइज तरीके से इसे जेंटली अप्लाई करिए और एक मैट फिनिश दीजिए। अगर आपको और अच्छा फिनिशिंग चाहिए, एक मैट फिनिश लुक, तो आप पाउडर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पाउडर ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा कवरेज आता है इसका। तो पाउडर ब्रश का ऑप्शन बेस्ट है। इसके अलावा एक छोटा सा और टिप देना चाहती हूँ मैं आपको, कि अगर आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आफ्टर मेकअप जब आप इसे अप्लाई करते हो तो इसकी कवरेज कमाल की होती है। यानी फाउंडेशन के बाद जब आप अप्लाई करते हो तो इसकी कवरेज लाजवाब होती है। तो ये था इसके यूज़ करने का तरीका। इसके अलावा इस कॉम्पैक्ट पाउडर में SPF 20 है, विटामिन ई है, सिया बटर के साथ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है क्योंकि इसमें UV रेडिएशन से बचने के लिए SPF 20 प्रोवाइडेड है। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है एंड इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन पे, और ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है ये। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसे बहुत ज़्यादा अपने फेस पे अप्लाई मत करिएगा क्योंकि पैची लुक देता है। इसके अलावा ड्राई स्किन के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो गाइस पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे तो बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।